बाकी यार आप लोग कितना एक्साइटेड हो अपने नए इंटरनेशनल ट्रिप के लिए मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बता दें। एंड आपको पता है आज आपका खन्ना भाई कहाँ पे आया है? तो खन्ना भाई आया है यहाँ पे 24 लाख रुपए की। जैसे ही स्टार्ट करेंगे ना, ये देखना मेरी सीट आगे जा रही है, सेल नहीं चाह रहा भाई साहब, क्या ही दुबारा भाई गाड़ी का। और जो हमारा इंटरनेशनल रोड ट्रिप होने वाला है भाई, वो बहुत ही ज़्यादा क्रेजी होने वाला है। सो जी, अगले दिन की शुरुआत हो चुकी है, आज है नया दिन। ये क्यों हुआ? मैंने कुछ नहीं किया गाइस। सो अभी का सीन ये है कि मैं अभी जस्ट अभी घर से निकला और रैपिंग वाले भैया के पास मैं जा रहा हूँ अपने पैनियर्स देने। तो पैनियर्स पकड़ाते हैं फटाफट से, आज बहुत सारे काम है गाइस करने वाले। चलो भाई यार देखो, इसमें ना उस साइड से सामान निकलेगा, पीछे पड़े हैं पैनियर्स। यहाँ करते हैं जी, यहाँ करते हैं। गुड मॉर्निंग भैया, कब दोगे भाई? कल शाम तक, कल दिन में दे दो। कल मैं बाइक पे ना वो भी लगवाना स्टैंड इसका। आप आ जाओ, चलो ट्राई करते हैं। बिल्कुल येलो एंड ये शाम को दूंगा भाई। है क्यों? चलो ठीक है, भाई फ्रेंड भी याद रखना। साल 2026 में आ जाएगी रेंज रोवर। अबे 26, तू देख इस साल के एंड तक क्या लेकर आएगा तेरा रहना भाई, तू देखता चल भाई। Yes. जान भाई ही अपने भाई को फुल लाइक एंड फॉलो सब्सक्राइब सब कर लो, सब कर लो, सब कर लो। तो जी चलते हैं यहाँ से। अब हमें जा रहे हैं सीपी, सीपी में भी जा रहे हैं, एक बहुत अर्जेंट काम है और एक छोटी सी नॉलेज वाली बातें भी करने जाना है। तो आज वैसे मैंने सोचा था कि सुबह ना संडे है, जल्दी उठूंगा, थोड़ी सी राइड करूंगा और कैफे में जाके बढ़िया ब्रेकफास्ट करूंगा, लेकिन नींद नहीं खुली। चलते हैं जी। बाकी यार आप लोग कितना एक्साइटेड हो अपने नए इंटरनेशनल ट्रिप के लिए मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बता देना। मैंने हैंड ब्रेक नहीं लगाई थी और गाड़ी हल्की सी आगे चल दी थी और वहाँ पे एक और गाड़ी खड़ी थी, लेकिन खन्ना भाई बच गया सामने वाला भी। और सीपी पहुँचने मेरे को दिखा रहा 38 मिनट, मेरे को 2 बजे पहुँचना था, लेकिन पूरा गाइज 52 मिनट्स में लेट चल रहा हूँ। टाइम हो रहा दोपहर के 2:14, बोला भाई टाइम दिखाना कसम से बहुत पसंद है, टाइम से टाइम चीज़ जब चलती है ना मज़ा आता है यार। लेकिन आज थोड़ा सा टाइम से लेट चल रहे हैं, यू टर्न ले लेते हैं, एसी चला लेते हैं बढ़िया से, क्योंकि एसी चला के व्लॉग करूँ ना तो एयर की आवाज़ आती है कैमरे में। एंड आपको पता है आज आपका खन्ना भाई कहाँ पे आया है? सो खन्ना भाई आया है यहाँ पे, और ये गाड़ियाँ देख रहे हो। तो भाई क्यों आया है, कैसे आया, क्या करने आया है, वो सब अभी आपको बताएंगे। खांसी छिड़ गई थी भाई साहब, बैरिकेडिंग गिरेगा। अच्छा कार्ड मिला है, पता नहीं क्यों मेरे को ना इस वाली पार्किंग से बड़ा डर लगता है कि गाड़ी गिर ना जाए। ओए लगाते हैं भाई फटाफट पार्किंग में, इस अब कोई बंदा ही नहीं है जो गाड़ी लगवा सके। थैंक यू सर। हैंड ब्रेक हमने खींच दिया है, गाड़ी हमने ऑफ कर दिया है, गाड़ी हमने लॉक कर दिया है, हैंड ब्रेक खींच दिया है, फ़ोन निकाल लेते हैं और बैग निकाल लेते हैं, अरे कार्ड ले लेते हैं भाई। क्या मतलब ये डिप्रेसिंग है, जितनी एक्सेसिव 24 लाख रुपए की एक्सेसिव। 24 लाख हो गए? हाँ 24 लाख 30 हज़ार। कितने में कौन सी गाड़ी आ जाएगी? 24 लाख में तो हैरियर आ जाएगी, स्टैंडर्ड का स्टैंडर्ड आ जाएगा। तेरी बाइक कितने में आएगी? मेरा 6 महीने का कंटेंट है ये। देखो जी नई गाड़ी की बुकिंग डाल रहे हैं भैया, अबे शोरूम के बाहर आ गए। टारगेट बता क्या? सारी जितने भी कंपनी में एम्प्लॉयज हैं सबको एक गाड़ी मैं गिफ्ट करूंगा, ये टारगेट है अपना। तेरे को मिलेगी भाई नैनो, मिलेगी तेरे को नैनो, जो तेरी हरकतें है ना नैनो मिलेगी। मुझे गाड़ी गिफ्ट करने में भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन लोग ही नहीं टिकते मेरे यहाँ। डीप था ये भाई साहब, क्या ही लुका रहा भाई गाड़ी का बाहर से। ओके भाई, इसमें एग्जॉस्ट लगे लेकिन फिर भी आवाज़ नहीं है भाई, लुक तो बहुत प्यारा आ रहा है यार गाड़ी का। भाई देखो एक चीज़ और दिखाता हूँ, ये हमने करी गाड़ी बंद, हुई नहीं है सही से, रख के यार करनी पड़ेगी, हमने करी गाड़ी ठीक है बंद। अब ना गाड़ी को हम करेंगे स्टार्ट, जैसे ही स्टार्ट करेंगे ना ये देखना मेरी सीट आगे जा रही है,
स्टीयरिंग नहीं चाह रहा अपने हाथों के पास। में होता है ऐसे? हाँ भाई है ना, उसमें तुम ना गाड़ी के बाहर बैठ जाते हो। अच्छा। बटन जैसे तुमने स्टार्ट करा खिड़की खुल जाती है, बाहर उतर जाओ। ऊपर रूफ भी आवाज भी आती है। चल निकल। बाकी भाई इसमें एप्पल का टैब लगा रखा है इन्होंने, 13 इंची का। उतार दे तार निकाल दे। चार्ज लगाया कि लगाया? चलो भाई यार ये भी सही है यार, गाड़ी पेट्रोल लाना है भाई, डलवा दे। चल बंद कर देता हूँ, 17 किलोमीटर चलेगी सर। चल बंद कर देता हूँ, छोड़। वो अभी तक देख वहीं पे ही है, अभी तक वहीं पे ही है, अब जा रहे हैं। बाकी जी आपको ना थोड़ा सा वो देते हैं ज्ञान, क्योंकि मेरे को भी अभी मिला है। आपके पास अगर रेंज रोवर है तो आपके साथ जो दोस्त बैठा सबसे पहले उसका फ़ोन बंद करना है, क्योंकि आवाज़ इसकी बहुत अच्छी है। और देखो इसकी ना गियर नॉब ना ऐसी सी आती है, आपको समझने में थोड़ी सी दिक्कत होगी, बट हाँ जी यही एक गियर नॉब है इसकी। अब आप इसे ऐसे पीछे कर दोगे तो गियर चेंज नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर ना एक बटन होता है पीछे, ये हमको इसे ऐसे प्रेस करना है और ये आ गई डी पे। अब ब्रेक हटा दी, अगर आप रेस दे दोगे तो सारे बंदे उड़ जाएंगे और आप भी, इसलिए ऐसे आपको नहीं करना है। तो आपको बस पी दबा देना है और औकात अनुसार गाड़ी खड़ी कर देनी है, ठीक है सर? जैसे आप बोलो। इतना ही था गाइस, इससे आगे मैं नहीं सीखा, आपको क्या सिखाऊंगा गाइस। साल 2026 में आ जाएगी रेंज रोवर। अबे 26 तू देख इस साल के एंड तक क्या लेकर आएगा तेरा गन्ना भाई, तू देखता चल भाई। गाड़ी आएगी भाई गई नेक्सॉन बेस मॉडल, ठीक है भाई। नहीं भाई जिंदगी में गाड़ी तो आएगी, लेकिन यार गाड़ी का मन बनाता हूँ, खर्चा आ जाता है या बाइक आ जाती है। पॉइंट टू बी नोटिस्ड। आवाज़ तो आई कहीं से? इस साल एंड में शादी कर ले भाई, तो सबसे बड़ी बात। फिर से कर लूँ? तू करेगा उनसे शादी? सॉरी ब्रो, तू कर ले, नॉट इंटरेस्टेड। तेरे डोले भी अच्छे हैं, करेगा उनसे शादी? बता दे, चूरन खाएगा? किसमें कहा है चूरन? लाऊँ? लाऊँ बैग में, बैग का है मेरा। चूरन खाएगा तो बता। नहीं दिखा, कुछ हो रहा है? गोलियां खोल। बाकी जी अगर आपके घर में फ्रिज ख़राब हो रहा तो यहाँ पे आपको फ्रिज मिल जाएगा, दो ऑप्शन मिल जाते हैं। ये बंद कर दिया हमने, ये दो नंबर पे हो गया, तो इसमें आप डाल सकते हो जी सब्जियाँ, दूध आ जाएगा और गाजर मूली तो नहीं आ पाएगी भाई, सेब आ जाएगा एक आधा ना। बैग देख रहा पीछे, अरे बाप रे भाई, गाड़ी में ज़्यादा फ़ायदा नहीं उठा रहे उनकी गाड़ी। बंद कर दे, देखो गाइस 17 किलोमीटर की रेंज दिख रही है। भाई कह रहा गाड़ी बंद कर दो, मैं कहा देखो भाई वहाँ पे है पेट्रोल पंप, ने कहा जब 10 की रेंज रह जाएगी ना चुपचाप बंद कर देंगे। ठीक है, क्या करना, डलवा देगा भाई पेट्रोल? डलवा दे भाई, मारेंगे तो सही पेट्रोल वाले। मेरी बाइक 100 रुपये डलवा दे भाई। मैं भी आपके थोड़े में मान लूं, मैं चले गया आपको उठाने भैया। ओके भैया, थैंक यू, थैंक यू। सर हमारे साथ भी कभी तस्वीर खिंचा लिया करो। खींचता हूँ तेरी तस्वीर, घड़ी उतार मेरी फटाफट। भाई पागल, अच्छी लग अच्छी लग रही है तो ही तो ले रहा है। मैंने देखना था भाई अमीर घड़ी कैसी लगती है। हाँ तो देख ली ना, रख दे वापस। पासवर्ड क्या है? अभी बताता हूँ भाई, 2 दिन के लिए दे नहीं सकता? जो है ना वो भी छीन लूंगा भाई। दिल देख रहा है तेरे को, सच बताऊं तेरा दिल नहीं है भाई। हाँ नहीं है, चल वापस दे दे फिर फटाफट। अच्छी लग रही है, नहीं है ना, दिल दे देना वापस भाई। दो दिन बाद दे दो। उल्गा सिम सिम देगा राउंड की मीटिंग चालू है। टेक कार्ड तो फिर टेक कार्ड हम नहीं करेंगे, बट पोर्शे अप्रूव्ड है टेक कार्ड। भाई पोर्शे से सीधा आ गए हम रोड पे और खाएंगे कुछ खाने को भाई। अरे इधर है, इधर ऊपर है वो, पहले बताना था ना भाई। कैंटीन में आ गए, आज ये पार्टी दे रहे हैं ना अपने नए घर की। हाँ भाई, ओए ये सर ये पुराने घर की नहीं दी है आज तक, फाइनल तो हो गया, नए घर की कब देगा? लोन भी हो गया, अब तो नाम भी आ गया इसका अखबारों में। चल आज तो दे दे प्रिंस, अखबारों में नाम भी आ गया। हम पे जाना है अब, क्या करने आ रहा है वहाँ पे भाई? कितनी स्पीड में आ रही है ये? हो गई स्लो यार, आधी मिनट के पीछे रहता हूँ। अच्छा देखा, अब आएगी यहाँ से यहाँ जितना मेरे को लगता है। नहीं 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 नहीं, उधर ही मिलेगी गाड़ी, अभी खुल जाएगा बैरिकेड, पीछे रहता हूँ मैं। खुल जा सेम सेम, खुल जा, गाड़ी तो खुल गई, लिफ्ट भी खुल जा भाई। इतनी बड़ी पार्किंग है, कोई भी समझाने वाला नहीं है, देख रहे हो क्या हिसाब है। हाँ जी, सिर्फ कुछ ही मिनटों में ना खन्ना भाई पहुँच गया करोलबाग। मेरे को ना मासूम भाई को कुछ सामान पकड़ाना था जो कि इस वाले बैग के अंदर है, छोटा सा सामान है, उससे आप बहुत कुछ सामान ले सकते हो गाइस, कागज़ जैसा सामान उसे कहते हैं। अब समझ जाना मैं क्या पकड़ाने आ रहा हूँ। तो बस पहुँच गया हूँ। प्रिंस का भी मेरे को कॉल आया कि भाई घर जाने का मन नहीं कर रहा, तो मैं आ जाऊँ। मैं कहा भाई पहले ही तेरे को गाड़ी में बैठा लेता, बट अब कोई बात नहीं, वो यहीं आ रहा है झंडे वाला, तो इतने देर मासूम भाई की शॉप का काम निपटा लेता हूँ, फिर फटाफट प्रिंस को उठा लेता हूँ, उसके बाद देखते हैं क्या सीन बनता है। कई बार ना संडे वाला दिन थोड़ा सा रिलैक्स जाना चाहिए,
आज अपना रिलैक्स डे है, रिलैक्स डे, क्योंकि भाई इतना बड़ा ट्रिप जाएगा ना, उससे पहले यार रिलैक्स होना भी बहुत जरूरी है। पर फोन रह गया दूसरा, कुछ तो दिक्कत है, कुछ तो ये बोल रहा है। अब बोले भाई सही अंदर आते है हमारी ना पार्टी चालू हो गई है, खाली याद आया था लौंडा भूखा, मैं खा पी खिला रहा हूँ, तू पहले खुद तो खा ले उसके बाद हमें खिला दियो। तू इधर से बैठा था इतनी देर से, तूने बोला भूख लगी है, मैंने कहा चल चौमिन मंगा देता हूं, बात लगा मुझे ये स्टोर नहीं पता था। तेरे को इतनी देर के लिए आना था तो आया क्यों? आया गया और तेरे को पता है काम पड़ेगा, मैंने अपनी जिंदगी का जो पहले अच्छा हेलमेट लिया था वो यहीं से लिया था, इस वाले मार्केट से। आज दिलाऊं तेरे को मैं? नहीं भाई, ग्लाइडर का लिया था। बट ये देख रहा है आजकल क्या आफत चल रही है। यस, कार्टून नेटवर्क बाय, टेक केयर भाई। सो जी कुछ ऐसा गया मेरा आज का दिन, घर में आ चुका हूँ, प्रिंस भाई को मैंने ड्रॉप कर दिया था और अब खाना भाई ना सोएगा। देख रहे हो मेरी आंखें ना हल्की हल्की सोच रही हैं, दो तीन दिन से ना ठीक से सो नहीं पा रहा था, मैं कहा आज अच्छे से सोता हूँ, अब खाना भाई सीधा सोएगा। और सिर्फ दो दिन बचे हैं या तीन दिन बचे हैं हमें ट्रिप पे निकलने के लिए, और जो हमारा इंटरनेशनल रोड ट्रिप होने वाला होना भाई वो बहुत ही ज़्यादा क्रेजी होने वाला है। इसलिए अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करो तो सब्सक्राइब कर लेना, एंड एक प्यारा सा कमेंट जाते जाते। आपसे मिलेंगे अगले ब्लॉग में, टिल देन रब रखा, बाय बाय, गुड नाइट गाइस।